आज के लेक्चर में हम आप लोगों को जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रीहर फर्डिनेंड वान रिस्थोपन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इनका कार्यकाल जो है सन 1833 से लेकर के 1905 ईस्वी तक है, सन 1905 ईस्वी तक है। अब जर्मन भूगोलवेत्ता इनकी सर्वोत्कृष्ट पुस्तक एक है फ्रीहर फर्डिनेंड वान रिस्थोफन। फ्रीहर इनकी एक सर्वोत्कृष्ट पुस्तक है फ्रीहर फर्डिनेंड वान रिस्थोफन की एक सर्वोत्कृष्ट पुस्तक है फुहरेर फुरफोर शुंग संडे। फुहरेर फुहरेर फुरफोर शुंग संडे। शुंग संडे जर्मन भूगोलवेत्ता में जितने जागरफर हैं, चाहे वह अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की सर्वोत्कृष्ट पुस्तक कास्मास हो, कार्ल रिटर की अडकुंडे हो और रेटजल की एंथ्रोपोजियोग्राफी हो, उसी प्रकार से फ्रीहर फर्डिनेंड वान रिस्थोफन की सर्वोत्कृष्ट पुस्तक है फुहरेर फुरफोर शुंग संडे। अब इनकी एक पुस्तक जो है चीन का भूगोल, चीन का भूगोल, चीन का भूगोल, चीन का भूगोल जो है यह तीन खंडों में डिवाइड किया गया है। प्रथम खंड में एशिया के पर्वतों की संरचना का वर्णन किया गया है, द्वितीय खंड में उत्तरी चीन का भूगोल का वर्णन किया गया है, तृतीय खंड में दक्षिणी चीन की मानचित्रावली से संबंधित है। तो अब ये पुस्तक हो गया तीसरी रचना इनकी है दक्षिण की या चीन की मानचित्रावली, चीन की मानचित्रावली, चीन की मानचित्रावली, चीन की मानचित्रावली। अब देखिए अगली रचना क्या है इनकी, आर्थिक एवं खनिज भूगोल। क्या है? आर्थिक एवं खनिज भूगोल, आर्थिक एवं खनिज भूगोल। अंतिम पुस्तक इनकी है अस्थलाकृतिक विज्ञान। क्या है? अस्थलाकृतिक, अस्थलाकृति विज्ञान, अस्थलाकृति विज्ञान, अस्थलाकृति विज्ञान। यह जो है आप इन फ्रीहर फर्डिनेंड वान रिस्थोफन की रचनाएं हो गई। तो इस तरह से हम आपको बताएंगे रिस्थोफन ने सर्वप्रथम चीन के में लोयस के मैदान पर रिसर्च किया था। चीन के लोयस का मैदान अर्थात लोयस शब्द का नामकरण रखने का श्रेय जो है फ्रीहर फर्डिनेंड वान रिस्थोफन को जाता है। इन्होंने मंगोलिया के गोबी के मरुस्थल से वायु के द्वारा धूलकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा करने की प्रक्रिया को, जमा अवसाद जमा होते रहते थे, उनको उन्होंने लोयस कहा। क्या कहा? लोयस। लोयस शब्द का नामकरण रखने का श्रेय जो है वह रिस्थोफन को है। तभी से भूगोल में लोयस के मैदान के नाम से भी जाना, आज भी पूरे विश्व में लोयस का मैदान जो है, लोयस किसे कहते हैं, इस शब्द का नामकरण रखने का श्रेय जो है रिस्थोफन को। अब आप देखेंगे रिस्थोफन ने भूगोल को पृथ्वी की सतह का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया है। रिस्थोफन के अनुसार भूगोल पृथ्वी की सतह का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। उन्होंने भूगोल के लिए इडोबर फ्लेसन कुंडे, रिस्थोफन ने भूगोल के लिए इडोबर, इडोबर, इडोबर फ्लर, इडोबर फ्लर ने फ्लेसन, फ्लेसन, इडोबर फ्लेसन कुंडे, क्या कहते हैं उसको, कुंडे, कुंडे,
इंग्लिश में भी लिख दिया जाए टेड ओवर फ्लेशन फ्लेशन कुंडे इंग्लिश में इसको एडोवर फ्लेशन कुंडे शब्द का प्रयोग किया किसके लिए प्रयोग किया भूगोल के लिए इस शब्द का प्रादेशिक भूगोल को उन्होंने वर्णनात्मक भूगोल कहा क्या कहा वर्णनात्मक भूगोल कहा अब देखिए प्रादेशिक भूगोल के लिए उन्होंने वर्णनात्मक भूगोल या विशिष्ट भूगोल कहा इसके लिए उन्होंने क्षेत्रीय विज्ञान शब्द का प्रयोग किया अर्थात प्रादेशिक भूगोल को उन्होंने वर्णनात्मक भूगोल या विशिष्ट भूगोल या इसके लिए उन्होंने क्षेत्रीय विज्ञान अर्थात कोरोलॉजी शब्द का प्रयोग किया कोरोलॉजी कोरोलॉजी शब्द का प्रयोग किया कोरोलॉजी को क्षेत्रीय विज्ञान कहा जाता है क्या कहते हैं क्षेत्रीय विज्ञान अर्थात क्षेत्रीय विज्ञान शब्द का प्रयोग करने का श्रेय जो है रिस्थोफन रिस्थोफन ने कोरोलॉजिकल साइंस शब्द का प्रयोग किया अब आप देख लीजिए इसी तरह से कोरोलॉजी शब्द का प्रयोग किया रिस्थोफन ने मानव को या मानव की भौतिक संस्कृति के विभिन्न स्थैतिक तथा गत्यात्मक तत्वों के साथ आध्यात्मिक संस्कृति के विचार की विवेचना को भी आवश्यक माना रिस्थोफन ने मानव की भौतिक संस्कृति के विभिन्न स्थैतिक तथा गत्यात्मक तत्वों के साथ आध्यात्मिक संस्कृति के विचार की विवेचना को भी आवश्यक माना रिस्थोफन ने अस्थलाकृति विज्ञान पर एक बृहद पुस्तक लिखी जिसमें अस्थलाकृतियों पर पड़ने वाले विभिन्न कारकों के प्रभावों का उल्लेख किया जाता है रिस्थोफन के शिष्य भी थे अब रिस्थोफन के शिष्यों को रिस्थोफन ने अपने शिष्यों को प्रशिक्षित किया बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया उन्होंने उन शिष्यों में परीक्षाओं पूछा जाता है रिस्थोफन के कौन कौन से शिष्य थे तो आप बताएंगे रिस्थोफन ने अपने शिष्यों को प्रशिक्षित किया और उस शिष्यों में जो थे स्लूटर थे क्या थे स्लूटर क्या थे स्लूटर अल्फ्रेड फिप्सन अब देखिए अल्फ्रेड फिप्सन हो गए फिर आपका अल्फ्रेड फ्रेंच किरचॉफ अल्फ्रेड फ्रैंक किरचॉफ एवं सुपन इत्यादि थे अब आप लीजिए इस तरह से लोग रिस्थोफन ने अपने जो विचार इन्होंने व्यक्त किया है इनके जो शिष्य थे इनके शिष्य स्लूटर ऑटो स्लूटर अल्फ्रेड फिप्सन अल्फ्रेड फ्रैंक किरचॉफ एवं सुपन जो शिष्य थे रिस्थोफन के विचारों को और आगे बढ़ाया इस विचार को जो उन्होंने इतना आगे बढ़ा दिया कि रिस्थोफन की कार्यप्रणाली पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई और इसी के साथ साथ रिस्थोफन ने अपनी भौगोलिक संकल्पनाओं को आगे बढ़ाया अब देखिए इन्होंने रिस्थोफन ने महासागरी संस्थान जर्मनी में महासागरी संस्थान की भी स्थापना की जर्मनी में महासागरीय संस्थान की भी स्थापना की महासागरी संस्थान की भी स्थापना की संस्थान की भी स्थापना की थी तो इस तरह से महासागरी संस्थान की भी स्थापना की इनका जो विचार था इन्होंने इनका मुख्य क्षेत्र जो था भूआकृति विज्ञान के क्षेत्र में था इनका जो भूआकृति विज्ञान के क्षेत्र में
भूआकृति, भूआकृति विज्ञान के क्षेत्र में, भूआकृति विज्ञान के क्षेत्र में भी इन्होंने अध्ययन किया। इसी तरह से इन्होंने कोरोलॉजिकल साइंस, भूगोल में क्षेत्र वितरण पद्धति को भी लागू किया। भूगोल में क्षेत्र वितरण पद्धति, भूगोल में क्षेत्र वितरण पद्धति को लागू किया, को लागू किया। अब इन्होंने भूगोल में स्थलाकृति विज्ञान को का भी अध्ययन किया। भूगोल में स्थलाकृति विज्ञान, भूगोल में स्थलाकृति, भूगोल में स्थलाकृति विज्ञान के क्षेत्र में, स्थलाकृति विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया, क्षेत्र में अध्ययन किया। इस तरह से देखिएगा, रिस्टोफर ने बहुत सारे क्षेत्रों में अध्ययन किया। अब यह देख लीजिए कि भूआकृतियों का अध्ययन करने के साथ साथ इन्होंने पृथ्वी के धरातल के, पृथ्वी के सतह का भी अध्ययन किया, और उस पर उन्होंने अध्ययन करके भूगोल में एक वैज्ञानिकता की आधारशिला रख दी। अर्थात भौतिक क्षेत्रों में इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों का अध्ययन किया। भौतिक क्षेत्रों में से पर्वत है, पहाड़ है, मैदान है, नदी है, झील है, वायु जल मंडल है, वायुमंडल है, स्थल मंडल है, इन सब क्षेत्रों का भी अध्ययन किया। इन्होंने पृथ्वी के जो पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्रों का भी अध्ययन किया, अर्थात जैसे आंतरिक क्षेत्रों का भी अध्ययन जो इन्होंने किया है उसको तीन भागों में बांट दिया गया, जैसे विलंब है, ज्वालामुखी विस्फोट है और चट्टानों है। इन्होंने चट्टानों का भी अध्ययन किया है। अब इन चट्टानों का अध्ययन करते समय इन्होंने भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन जो किया है, जैसे चट्टानों का अध्ययन करते समय रिस्टोफेन ने भूगर्भ में मिलने वाली चट्टानों का प्रभाव, भूगर्भ में मिलने वाले चट्टानों का प्रभाव जो है, या पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें पाई जाती हैं उसका प्रभाव किसका अध्ययन किया है, जलवायु का। अर्थात भूगर्भ में मिलने वाले चट्टानों पर किसका प्रभाव पड़ता है, जलवायु का प्रभाव पड़ता है। ये पहले जोग्राफर ऐसे हैं विश्व के जिन्होंने बताया कि भूगर्भ के अंदर की चट्टानों पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, जलवायु का प्रभाव पड़ता है। इस तरह से इसका अध्ययन कर लीजिए, रिस्टोफेन ने भूगर्भ के अंदर, भूगर्भ के अंदर चट्टानों पर, भूगर्भ के अंदर चट्टानों का, भूगर्भ के अंदर चट्टानों पर प्रभाव जलवायु का प्रभाव बताया, जलवायु का प्रभाव बताया है। इस तरह से इन्होंने भूगर्भ के अंदर के चट्टानों पर जो प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव पड़ता है, जलवायु का प्रभाव पड़ता है, इसलिए ज्वालामुखी विस्फोट होता है और जो है उससे मृदभ चट्टानों का उत्पन्न होती है, परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। तो यह जो है आपका रिस्टोफेन है। रिस्टोफेन का परीक्षाओं पूछा जाता है कि रिस्टोफेन का पूरा नाम क्या है, तो रिस्टोफेन का पूरा नाम है फ्रीहर फर्डिनेंड वान रिस्टोफेन। रिस्टोफेन की सर्वोत्कृष्ट पुस्तक क्या है, आप बताएंगे, फुहरेर, फुरफोर, शुंग श्रंडे, चीन का भूगोल, चीन की मानचित्रावली, स्थलाकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। और इनका मुख्य योगदान क्या है, महासागरी, जर्मनी में महासागरी संस्थान की भी स्थापना की, और इन्होंने लोएस शब्द का नामकरण रखा इत्यादि क्षेत्रों में, और इन्होंने कोरोलॉजिकल अप्रोच, क्षेत्रीय पद्धति या क्षेत्रीय वितरण पद्धति का भी सर्वप्रथम भूगोल में प्रयोग किया। आगे चल करके यही अल्फ्रेड हेटनर ने उसको कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में अध्ययन किया। तो यही से जो है यह अल्फ्रेड रिस्टोफेन का योगदान इन सब क्षेत्रों में ज्यादा है। ठीक है, अब फिर आपको अगले लेक्चर में बताएंगे अल्फ्रेड हेटनर के बारे में। ठीक है।